हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आधार कार्ड में एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब आप घर बैठे आधार कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं। आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर या जो कुछ भी आपका आधार कार्ड में गलत है वो आप आसानी से खुद सुधार सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं पर लाइन लगने की ज़रूरत है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आ जाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या तो आप इसका URL यहाँ पर देख सकते हैं, sqp.uidai.gov.in। उसके बाद आपको नीचे हल्का स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन नाउ अपडेट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज। उसके बाद आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। जो बगल में आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सेंड OTP में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डाटा फील्ड टू अपडेट। आपको जो जो यहाँ पे चेंज करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज, जेंडर, एड्रेस या जो आपका ईमेल है वो ईमेल, या नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। यहाँ पे एक बात है नोट करने वाली, जैसे आप नाम यहाँ पे 3 बार से ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ 1 बार दिया है और जेंडर यहाँ पे 1 बार दिया है। तो जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक से चेंज करें, नहीं तो बाद में दिक्कत आपको ही होगी। यहाँ पे हम अपना नाम चेंज कर लेते हैं, सिर्फ नाम को चेंज करते हैं इसलिए हम नाम को सिर्फ सेलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। आपको स्कैन कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड भी करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारा चीज़ आप डियर रेसिडेंट पे ये सारा चीज़ आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आइए। उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप एक बार देख लेंगे तो आप खुद से कर सकते हैं। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका जो आधार कार्ड में नाम है, करंट में जो आपका नाम है वो आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। यहाँ पे इंग्लिश में आप टाइप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। यदि यहाँ पे आपका जो हिंदी में नाम आ रहा है, यदि कुछ भी गलत हो रहा है तो आप गूगल इनपुट टूल्स का सहायता ले सकते हैं और अपना हिंदी सुधार सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको सेलेक्ट में देख लेना है आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना चाह रहे हैं। यहाँ पे पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है आपके पास। जो भी डॉक्यूमेंट है आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे देना है। हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। पैन कार्ड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पैन कार्ड भी शो हो जाएगा।
और यहाँ पे आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं देख भी सकते हैं, और उसके आगे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करें। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ फिर से सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दे, फिर से पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, लेकिन सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे जैसे आप अपना ओटीपी फिल करते हैं उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास सुविधा है आप उसके माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा जिसमें आपको एक SRN नंबर मिलता है, उस SRN नंबर को आप नोट कर सकते हैं और यहाँ पे उसका यहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं जो आपने आधार कार्ड करेक्शन करवाया है।